अडानी ग्रुप मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हल्ला बोल, मुख्यालय पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी विडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से विवादों के घेरे में हैं। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। सोमवार को कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सनावत रोड LIC कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। यहां नारेबाजी कर जिला अध्यक्ष रवि नाइक के नेतृत्व में बाइक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला अध्यक्ष नाइक ने कहा, केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है। LIC और राष्ट्रीय बैंकों में करोड़ों लोगों का पैसा लगा है। सरकार ऐसी कंपनियों में सरकारी संस्थानों को निवेश या कर्ज देने को क्यों मजबूर करती है, जिनका हिडनबर्ग रिपोर्ट में खुलासा किया है। यह देश के करोड़ों भारतीय नागरिकों के निवेश की सुरक्षा का सवाल है, जिन्होंने LIC में पैसा लगाया है। इस मामले में सरकार की चुप्पी बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है। सरकार के दबाव में, केंद्र सरकार के प्रेशर में LIC जैसी संस्थान और राष्ट्रीयकृत बैंकों से सरकार ने अपने दोस्तों की कंपनियों में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कराए हैं और आज वो कंपनियां बर्बादी की कगार पे खड़ी है। इससे LIC भी प्रभावित हो रही है और बैंक भी प्रभावित हो रही है और LIC में जिन लोगों ने शेयर लिए हैं वो खाता धारक, शेयर मालिक और जिन्होंने पॉलिसी लिए उनको बर्बादी की इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसे लाखों करोड़ों पॉलिसी धारकों को, खाते धारकों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों को और LIC को बचाने के लिए पूरे देश भर में आज प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि इसकी JPC से जांच हो। कांग्रेस की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये पूरे मामले की जांच की जाए और हमने आज खरगोन LIC ऑफिस में पहुंचकर LIC के अधिकारियों को भी गांधीगिरी के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है कि आप भी अपने मैनेजमेंट तक ये संदेश पहुँचाए कि ये तरीका गलत है। इससे हमारा विश्वास उठ रहा है, जनता का विश्वास LIC पे से उठ रहा है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। बाहर की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।